क्या लगता है आपके जो रिश्तेदार है वो उनका माहौल क्या लगता है इस बार का? यहाँ हम रिश्तेदार होने के नाते इनके साथ नहीं घूम रहे हैं। मेरा कहना ये है कि एक नया चेहरा है, युवा वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि बदलाव हो और बदलाव होने के साथ इनको भी मौका दिया जाए। कैसा लगता है त्रिकोणीय यहाँ पे बैठता है क्या कोडरमा लोकसभा? देखिए एक तरफ विनोद सिंह जी है, बीजेपी है, जो भी है, देखिए विनोद सिंह रहे चाहे अन्नपूर्णा देवी रहे, सब मैंने भ्रष्ट युग में चल रहे हैं। इस बार का माहौल गांव का क्या लग रहा है? इस बार जो अलग चुनेंगे, इस बार हाँ अलग चुनेंगे। कोई निर्दलीय प्रत्याशी को चुनेंगे क्या? हाँ चुनेंगे। हम लोग सिरसा गांव में हैं और गांव के दरमियान जो है डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल सर मिले हैं, जो प्रचार प्रसार में यहाँ पे आए हैं। थोड़ा सा बातचीत करते हैं, क्या कुछ माहौल है? लगातार प्रचार में है आप लोग, कैसा माहौल लग रहा है सर? आप लोग गाँव गाँव विजिट कर रहे हैं, क्या कहेंगे तमाम जनता से? गांव में तो बहुत अच्छा माहौल है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। जहां जा रहे हैं एक दो को रिश्तेदार मिल जा रहा है, रिश्ता रिलेशन सब मिल रहा है, यानी क्षेत्र में नेता नहीं है। यहाँ इस गांव में आए हैं तो यहां पर भी मेरा मौसी है, तो मौसी का घर है। देखिए मेरे यहां पर है सीनियर मेरे पंकज भैया है, जो हमसे 2 साल सीनियर पढ़ते थे और शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसलिए जिस गाँव में जा रहे हैं हर गाँव में, क्योंकि कोडरमा लोकसभा का नेता नहीं है, हम तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितना भी विधानसभा है, चाहे वो कोडरमा विधानसभा हो या तो धनवार विधानसभा है या तो बरकट्ठा विधानसभा है या तो बगोदर विधानसभा है या तो जमुआ विधानसभा है या गांडे विधानसभा, जिस क्षेत्र में जाएंगे हर क्षेत्र में हर गांव में मेरा एक दो विद्यार्थी मिलेंगे या तो मेरा रिश्तेदार मिलेंगे या तो मेरा दोस्त मिलेंगे। अच्छा सर, लगातार आप लोग प्रचार प्रसार में हैं, इस प्रचार प्रसार के दौरान सबसे ज्यादा क्या चीज देखने को मिला? आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल समझ में आ रहा है इस बार? देखिए 2024 का जो माहौल बना हुआ है लोकसभा चुनाव का, तो जनता को ये दिग्भ्रमित कर दिया गया है कि केवल केंद्र में मोदी सरकार है, जबकि ये मोदी का चुनाव नहीं है, एक MP का चुनाव है। और MP चुन के भेजते हैं किसको? MP बनाते हैं PM को, प्रधानमंत्री को, लेकिन प्रधानमंत्री को चेहरा चमकाया जा रहा है और क्षेत्र में MP जो है वो विकास का कोई कार्य नहीं है, ना तो रोड का है, ना तो नली का है, ना तो शिक्षा पर है, ना रोजगार पर है, ना तो यहाँ का गरीबों का कोई सहारा बना है और ना तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का विधवा या वृद्धा पेंशन। अभी हम कुछ स्थानीय स्तर पर मिल रहे हैं तो कुछ विधवा लोग बोल रही है, कुछ माताएं एवं बहनें जो 60 साल के हैं उसको बोल रहा है 1000 बेटा फ्री भी मिलता है, वो 6 महीना से फसल है। तो इसके तरह इस तरह से केंद्र की मुद्दा को केवल उछाल करके स्थानीय और स्थानीय क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ है। अच्छा, किसी भी क्षेत्र में नहीं हुआ है। वोटिंग के समय में कितने दिन अभी लगभग बचे हैं आप? वोटिंग के लिए अभी तो केवल 7 दिन बचे हुए हैं। 7 दिन में आप लोग और 7 दिन में कार्य क्षेत्र तो बहुत ज्यादा है और तमाम कोडरमा लोकसभा की जनता से यही कहेंगे कि जहाँ तक हो हमारी आवाज जा रही है, मेरी विचारधारा जा रही है, तो ये जानिए कि क्षेत्र में नेता नहीं, एक बेटा है, एक दोस्त खड़ा है, एक भाई खड़ा है। आप उसे मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं है, स्वतंत्र विचारधारा से आया है, वो भी एक मिडिल क्लास से, एक मध्य परिवार से उठ के आया है, जो क्षेत्र की जन जन और कल्याण करने के लिए विकास के हर चारों तरफ विकास करने का एक वादा करने के लिए। प्रचार प्रसार देखिए, प्रचार कितना किलोमीटर चल लेते हैं पर डे? प्रचार देखिए प्रत्येक दिन किलोमीटर जो है वो लगभग 300-400 किलोमीटर हम लोग का सफर हो जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी क्षेत्र है और हम लोग का जन धन बल और ब्लैक पैसा नहीं है कि पार्टी से पार्टी बदल के आ रहे हैं, और 500 कार्यकर्ता नहीं है कि जिस कारण से हर गांव में जा करके अंधविश्वास फैला रहे हैं। जहां भी क्षेत्र में जा रहे हैं केवल वास्तविकता मिल रही है कि क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि अगर क्षेत्र में विकास रहता तो वर्तमान सांसद को आज गांव-गांव से बहिष्कार किया जा रहा है। तो हमारी जीत मतलब जनता की जीत है, क्योंकि स्वतंत्र विचारधारा से हर जनता मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए कि केंद्र सरकार को ये बता दीजिए कि आपका जो प्रतिनिधि है वो क्षेत्र में विकास नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है, चाहे वो महागठबंधन की हो या केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का है, केवल झूठी वादा करने का काम किया है और केवल जाति और धर्म के नाम पर भड़काने का काम किया है और एक गृह युद्ध के रूप में छेड़ने का काम किया है, नौजुवकों को केवल दिग्भ्रमित करने का काम किया है। इसलिए तमाम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे। यहाँ का माहौल तो ठीक ही है, करीब करीब देखा जाता है और सब नेता लोग घूम फिर रहे हैं, जहाँ तक होगा हम लोग सहयोग ही करेंगे। अच्छा अच्छा, क्या लगता है आपके जो रिश्तेदार है वो उनका माहौल क्या लगता है इस बार का? यहाँ हम रिश्तेदार होने के नाते इनके साथ नहीं घूम रहे हैं,
मेरा कहना ये है कि एक नया चेहरा है, युवा वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि बदलाव हो और बदलाव होने के साथ इनको भी मौका दिया जाए और साथ ही हम लोग देखें इनके कार्यशैली को भी देखें परखें। तो जब तक ये सत्ता में नहीं आएंगे, जब तक इनको जिताएंगे नहीं, तब तक इनकी कार्यशैली को हम कैसे परखेंगे। क्या लगता है सर इस बार का माहौल? अच्छा मास्टर साहब से बातचीत हुआ, आप बताइए सर इस बार का माहौल कैसा लगता है? त्रिकोणीय यहाँ पे बैठता है क्या कोडरमा लोकसभा? देखिए एक तरफ विनोद सिंह जी है, बीजेपी है, जो भी है, देखिए विनोद सिंह रहे चाहे अन्नपूर्णा देवी रहे, सब सब मैंने भ्रष्ट युग में चल रहे हैं, कोई कहीं कुछ देखने वाला है नहीं। तो हम लोग का विचार है कि अगर नया चेहरा आता है तो सबसे अति उत्तम तो वही है। विचारधारा उसका क्या है नहीं है इसका तो कुछ मैंने देखना चाहिए, मतलब नया चेहरा को इस बार अजमाना चाहिए। अजमाना तो जरूर चाहिए, लेकिन ये सब जो है जिता देते हैं लेकिन जाकर के कुछ करती नहीं है। ये सब अन्नपूर्णा देवी एक बार भी कभी चेहरा कोई देखा है पूछिए, पूरे गांव से देख पूछ सकते हैं। तो ऐसा ऐसा माहौल है तो क्या कहें। चलिए युवा वर्ग है, थोड़ा सा बात करते हैं, क्या लगता है इस बार का माहौल भाई साहब? अन्नपूर्णा देवी कभी आया नहीं हमारे सामने क्षेत्र में, कभी नहीं आई। क्या लगता है इस बार का माहौल गांव का क्या लग रहा है इस बार? हम इस बार जो अलग चुनेंगे, इस बार अलग चुनेंगे। कोई निर्दलीय प्रत्याशी को चुनेंगे क्या? हाँ चुनेंगे। एक और युवा साथी है, क्या कहेंगे भाई साहब? पूरा एकदम फॉर्म में लग रहे, फॉर्मल है। नहीं, हम तो इसका साथी है, लेकिन जब जब से हम मतलब वोटिंग करने लगे हैं तब से ऐसा कोई भी प्रत्याशी आया नहीं है कि विकास करे गांव का। अभी भी देखे अभी गांव, इसलिए मैं तालाब की ओर से लेकर आया क्योंकि अभी तक वहां पुल भी नहीं बना हुआ है, वर्षों से चला आ रहा है। कितना बार बीजेपी को दो, माले को दो, इसको दो, उसको दो, कोई ऐसा नहीं आया कि जो ग्राउंड वर्क करे। ग्राउंड वर्क अगर जो करे वही जीतेगा। तो इस बार क्या लगता है कोई नया चेहरा? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैं साथ में ही चल रहा हूँ भाई। अभी अभी तो क्या है, नया चेहरा आया भाई के रूप में, वो भी नए युवक के रूप में, हम लोग क्या साथ में बैठ के बात कर सकते हैं, ऐसा है, साथ में मिल सकते हैं। जो नेता खड़ा हो रहा है वो तो मिल रहा है आके, लेकिन जो खड़ा हो रहा है बड़ा बड़ा नेता, उसका तो पैसे के बदौलत, ब्लैक मनी के बदौलत कोई भी आ जा रहा है उसका प्रचार करवाने, एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए। लेकिन जो भाई हमारे पास आए हैं खुद चल के, जरूर उसको मतलब जिताने के पूरा सक्षम प्रयास करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं बार अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, जय हिंद।